आज तुम्हें ये कैसा लगा मिस्टर यूनिकॉर्न? खैर केक के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो फिर इसे यूनिकॉर्न के सिर से सेलिब्रेट करें। वूह! आज यूनिकॉर्न और केक किटी की डांस पार्टी होगी। ये क्या है? वो हमें कुछ दिखाएगा। ये बहुत ही अनोखा लिमिटेड एडिशन यूनिकॉर्न थीम फोन केस है। अरे वाह क्या बात है, हमारे पास ये सबसे कम प्राइस में लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ $200। अभी कॉल करो। मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभी क्या भी चाहिए। मॉम क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, चोट लगी है? ओ बस भी करो। क्या देखो टीवी, मुझे वो चाहिए। हाँ ये कैसा मजाक है, उस फोन केस के लिए $200 दूं? देखा वो बढ़िया है ना, मुझे चाहिए प्लीज। ठीक है हनी, देखते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं यूनिकॉर्न फोन केस लेना चाहती हूँ। मॉम बहुत अमीर है, वो मुझे दो दो लेके दे सकती है, नहीं तीन। हाँ हे भगवान हनी, तुमने मुझे डरा दिया, ये लो। ओ मम्मी के पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैं उसे वो फोन केस नहीं दिला पा रही, वो बहुत महंगा है। हाँ ये क्या चीज है, शायद ये काम आए। हाय मुझे दो फोन केस चाहिए। हे यही रुक जाओ हनी, मम्मी के पास एक प्लान है। हाँ ये रहा यूनिकॉर्न मोल्ड और थोड़ा एपॉक्सी रेजिन, इस पूरे मोल्ड में बराबर रेजिन डालना होगा। हो गया, अब बस इसे सेट होने देंगे। इसे मोल्ड से निकाल कर देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, अब हम इसे फोन केस पर लगा देंगे। परफेक्ट, और उसे बहुत पसंद आएगा। टीना देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक सरप्राइज। वाओ एक यूनिकॉर्न फोन केस, ये तो टीवी वाले से भी बेहतर है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। क्या अब टीवी पर ये क्या है, फोन केसेस तो पुराने हो चुके हैं। जरा ये मजेदार हेडफोन्स देखो, इसके साथ रॉकिंग म्यूजिक का मजा लो। वो केक किटी की तरह। छोड़ दो एमिली। नहीं ये मेरा है, मैंने पहले देखा था, रुको। अब एक ही चीज हो सकती है। ओ तो ये बात है, तो शुरू करते हैं। मैं सर्कल्स बनाऊंगा, मैं सर्कल्स के साथ हमेशा जीतता हूँ। बीच से तुमने बीच से शुरू कर दिया, अब तो तुम गए, तुम मेरे जाल में फंस रही हो। मैं जानता था तुम यही करोगी, ये बहुत आसान होगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम क्या करोगी जरा देखो। मुझे देखना चाहिए था, रुको मैं जानती हूँ, पर तुम ये नहीं कर सकती। अच्छा मैंने कर ही दिया, और जरा देखो मैं जीत गई। नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है टेडी तुम ही ले लो। वाह देखो ये कलर्स कैसे डूब रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। मैं बोर हो रहा हूँ, ओह जरा अपनी आंखें बंद कर लूँ। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चैप्टर 12 तो पढ़ा ही होगा। हाँ अब थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ठीक है बुक के हिसाब से काम कर जाएगा। हाँ इतना मिलाना काफी है। हाँ इतने सारे मोलर्स, हे भगवान। हाँ जरा क्रिस्टोफर को तो देखो। क्रिस क्रिस ओ क्यों मैं जाग रहा हूँ, क्यों? अब उसे पता चलेगा, ओह उसने मुझे फंसाया है। तो ठीक है ये लो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो। ओ नहीं अब तुम क्या करोगी, बुरा हुआ। जो भी हो मुझे वो पेज दोबारा ढूंढना होगा, इससे उसे सबक मिलेगा। हाँ बहुत हुआ क्रिस, इधर आओ ये फॉर्मूला सॉल्व करो अभी। हे भगवान गम वापस डाल देता हूँ। ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। बेवकूफ क्रिस, मेरी बुक बंद कर रहा है ताकि मैं फॉर्मूला भूल जाऊँ। हाँ जरा ये देखो, और देखो उसके डेस्क पर क्या है। हाँ पता है मैं क्या करूँगी, ये क्योंकि मेरे पास ये है रेसिन, ये रहा एपॉक्सी रेसिन, और ये रहा मेरा सोडा का कैन, इसे कैन पर डालते हैं। ग्रिप तो देखो इसे पूरा कवर कर देंगे। हाँ इतना काफी है। हाँ लगता है ये सूख गया, अब देखते हैं, कोई बता ही नहीं सकता कि इस पर एपॉक्सी लगी है। मैं एक जीनियस हूँ और उसे सबक मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उसका फोन भी कोट कर दिया है और उसका आधा खाया हुआ कैंडी बार भी।
फिर बहुत ही मुश्किल से हुआ, पर शुक्र है हो गया। हो, ये क्या है? क्या ये कान क्यों नहीं खुल रहा? हो क्या रहा है? ये काम कर रहा है, वो घबरा गया। क्यों, इसका असर मेरे कैंडी बार पर भी आया है? नहीं नहीं, मेरे फोन पर नहीं। परफेक्ट लियाम, स्नैक्स तैयार है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑरेंजेस पसंद है। नहीं, पहले अपने हाथ धोकर आओ, तुम्हें रूल्स पता है ना? ये साफ है। हे, जाकर हाथ धो। ठीक है। ये भी क्या बात हुई, पर अगर वो ये चाहती ही है तो ठीक है। मैं बहुत सारा सोप लूंगा मॉम। वो ये तो बहुत स्लिपरी है। हे, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। नहीं, चलो छोड़ो इसे। साफ हो गया, देखो मुझे भूख लगी है। ओ, यहीं पर रुको, मैं होकर आती हूँ। ओह नहीं लियाम। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया? मैं अभी सर के बल गिरती। ये साबुन, ये नीचे क्यों पड़ा है? ये खुद चलने लग गया क्या? चलो भी, तुम यही रहोगे। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन की मदद से आपका साबुन अपनी जगह पर रहेगा। कुछ ऐसा बना सकते हैं, यह आपके साबुन को टिकाए रखेगा। हम इसे बिल्कुल साबुन के ऊपर बनाएंगे ताकि इसकी शेप बनी रहे। अब ये पूरा नहीं हुआ। इस पेन से इलस्ट्रेशन को कलर करें। हमने यूनिकॉर्न चुना है। अलग अलग रंगों से इसे और मजेदार बनाएं। बस कलर जेल को इस तरह चलाना है और वाला, एक यूनिकॉर्न। देखो कितनी प्यारी सॉफ्ट डिश है। इसे इसमें रख दो और ये आराम से फिट आ गई। बहुत अच्छे, मेरी नजरें तुम्हीं पर है। चलो इस हेयर क्लिप को और दिलचस्प बनाएं। क्लिप पर इस 3D पेन से स्पाइरल बनाएंगे, वो भी थोड़ा ऊंचा। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इतना काफी है। अब मैं इसे अपने बालों पर लगाऊंगी। कैसा लग रहा है वेंडी? बहुत ही बढ़िया, हम खूबसूरत लग रहे हैं। घर पर रहना सबसे अच्छा डिसीजन था। क्या देख रही हो? मैं ले लूं? अभी नहीं। ओ, माफ करना। येलो, येलो वाला मेरा फेवरेट है। कितना च्यूई है। मिया, क्या एक और दे दो? हाँ ठीक है, पर ये आखिरी होगा। कूल। हे मिया, अब क्या है? मुझे और चाहिए। तुम वो गमीज हड़प कर बैठी हो, पर मैं ये खुद देख लूंगी। हाँ, मैं आ रही हूँ। वो गमीज मुझे दो। छोड़ दो, और देखा जाए तो मैं जीनियस हूँ। तुमने ये अपने हाथों में कैसे फंसा लिए? रुको, ये चिपके कैसे हुए हैं? मैं समझ गई, अभी आती हूँ। टेस्टी है। बस कुछ सप्लाईज चाहिए होंगे, देखता ही कैसे होगा। सिलिकॉन स्लीव में गमी बेयर लगाएं, अच्छे से फंसा दें और पूरे ब्रेसलेट पर लगाते जाएं। मैं रेनबो के कलर्स चुन रही हूँ। बेयर्स के ऊपर अब रेजिन डालें, एकदम आराम से इस पूरे पर डाल दें और जब ये हो जाए तो हम इंतजार करेंगे पूरी रात। अगला दिन हो गया, मतलब ये ब्रेसलेट तैयार है। इसे सिलिकॉन मोल्ड से निकाल लेंगे और अब ये हार्ड हो गया है। देखो, और अभी मेरी रिस्ट में फिट आ गया। आ जाओ। तुम्हें पसंद आया? वो तुम्हें कहाँ से मिला? इसमें गमी बेयर्स है। बहुत हुए तुम्हारे सवाल। अरे यार, पता है, छोड़ो ये तुम ही रख लो। सच में? हाँ हाँ, श्योर हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। बिल्कुल ठीक है, चलो सारे लॉलीपॉप्स इस बेसिन में इस तरह रख देते हैं। अब हम इसमें पॉप्स की रेजिन डालेंगे। ध्यान रहे
ताकि ये हर जगह फैल जाए। इतना काफी है, अब लाएंगे कैंडीज। देखो ये कितनी सुंदर है, इसे भी अच्छे से डाल देंगे और अब इसे सेट होने देंगे। टाटा, ये कैंडी पिक्चर फ्रेम बन गया है। ये चिप्स डालेंगे। हाँ, ओ हाँ, मैं इस लेवल को पार कर लूंगी। मेरे लिए यहाँ जगह है। ओ, यहाँ चेयर है, मैं इसी पर बैठूंगी। फिर आखिरकार यहाँ आने में बहुत समय लग गया, पर अब सब तैयार है और अब हम शुरू करेंगे। स्ट्रेच कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेहतर है। रेज, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगी और स्पीड रन टाइम मैं ही सेट करूंगी। क्या तुम मेरे ऊपर ये सब फेंकोगे? नहीं हो सकता। डाई। ओ, ये क्या है, क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो मैंने मिस कर दिया। क्या, मेरा कीबोर्ड, इसे क्या हो गया? मेरी कीज फैल गई है, मैंने खराब कर दिया। ओ, इस W लेटर को तो देखो। खैर जो भी है, इसे हटाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना होगा। चलो इसमें एपॉक्सी डालें। इसे ज्यादा नहीं भरना, उससे खराब हो जाएगा। लो, सारे भर दिए, अब ये सेट होंगे। अब हम इसे निकाल सकते हैं। ओह, देखो ये कितना प्यारा है। अब इसे कीबोर्ड पर लगा देंगे, जितनी भी कीज मिसिंग है। हाँ, मेरा नया क्यूट कीबोर्ड कितना अच्छा है। अब मैं अपना स्पीड रन सेट करती हूँ। स्ट्रेच कर लूं। रेज, चलो तुम ये कर सकती हो। और तेज, और तेज। रुको, वो, मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड बना दिया और ये मेरे लकी कीबोर्ड की वजह से हुआ। हे, अरे वाह, बहुत अच्छे, तालियां। ओह, ये क्यूट है। बू, ये सब मत करो। हे, मेरी एक फोटो लो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक पोज मारूं? हाँ बिल्कुल, अच्छे लग रहे हो। मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नेचुरल हूँ। ओप्स, नहीं। बाल बाल बचे। जरा रुको, मेरे नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। इस हैक से अपना फोन सेफ रखें। पहले एक लंबा सा थ्रेड लें। अब हमें एक डेकोरेटिव बीड चाहिए। थ्रेड पर बीड लगाएं और अलग अलग कलर्स के बीड्स लगाएं। कलर्स को इस तरह बदलें। जब ये हो जाए तो इस थ्रेड को बांध लें और ये बन गया आपका नया ब्रेसलेट। फालतू का थ्रेड काटे नहीं, हमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉट और बांधना है ताकि इसमें एक लूप बन जाए। एक तरफ इस ब्रेसलेट को रखें। अब हमें चाहिए फोन केस। केस की साइड से इस तरह निकाल लें और अब लूप से ब्रेसलेट निकाल लें। ध्यान रहे कि ये टिक जाए। अब केस में अपना फोन डालें। एकदम क्यूट, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। मैं स्मार्ट हूँ ना, बस मुझे इसे अपने हाथ में पहनना है और मेरा फोन गिरेगा नहीं। वो, अब तुम मेरी फोटो ले सकती हो। ओह हाँ, आ गई, बहुत अच्छी फोटो है। ओ, इसकी आंखों को तो देखो, मैं इन्हीं में खो जाती हूँ। इससे परफेक्ट और क्या होगा? जैसा मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल वैसा है। हम साथ में बहुत प्यारे लगेंगे। रुको, शायद एक रास्ता है, शायद मेरी स्पेल्स बुक काम आए। मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा, पर पहले मुझे एक एमुलेट चाहिए। थोड़ी जगह बना लेते हैं। एक एपॉक्सी रेजिन का बोल चाहिए। अब इसमें ग्लिटर डालेंगे। ये आ गया स्पार्कल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। मैं एक लव हार्ट का मोल्ड लूंगी। वाह, इसके कलर को तो देखो। इसे ऊपर तक भर देंगे। अब सेट होने का इंतजार करेंगे। मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस पर चेन लगा देंगे। वो कमाल का लग रहा है, मुझे यही तो चाहिए। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब स्पेल की बारी है। इस नेकलेस की वजह से मैथ्यू को मुझसे प्यार हो जाएगा। उसे बताओ कि मैं ही उसकी किस्मत में हूँ। कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ये काम कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह हाँ, तो चलो। एमिली, वाह, उसने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे उससे बात करनी चाहिए। हे एमिली, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो, तुम्हारा नेकलेस तो कमाल का है। इसे देखकर मुझे लगता है ये हिप्नोटिक है। हाँ, तुम ठीक तो हो? लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। खोलो एमिली। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये आइडिया बहुत ही बकवास था। लो, ये तुम रख लो, अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये कहाँ से आया? बहुत ही अजीब है।
रुको, नेकलेस, मुझे वो चाहिए। दूर रहो। जरा मैं अपना मेकअप पूरा कर लूं। अरे यार, मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद है और मुझे ये भी बहुत पसंद है। देखो कितना प्यारा है। मैं उसे दोबारा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। तैयार हो जाती हूँ। जी हाँ, अब गेम देखेंगे। स्नैक्स और ड्रिंक्स ले आता हूँ और पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, रुको, मेरा दूसरा इयररिंग कहाँ है? वो यही कहीं होना चाहिए। वो यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं। वो है कहाँ? ये क्या, मुझे अपने लकी इयररिंग्स चाहिए और एक मिसिंग है। मैं गेम देख रहा हूँ। या, चलो चलो चलो, हम जीत गए। हाँ, ये आवाज कैसी थी? मेरे नीचे कुछ टूट गया है। ओ नहीं, ये तो उसका मिसिंग इयररिंग है और अभी टूट गया है। डैड, आप मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं? अरे नहीं, मुझे उसे गुस्से में देखा नहीं जाता। मुझे कुछ करना होगा। रुको, लगता है मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। इस रिंग से शुरू करेंगे, पॉलीमर क्ले लगाएंगे, इस तरह लेयर्स बनाते जाएंगे, एक रेनबो बनेगा और अब फालतू का इससे काट देंगे। परफेक्ट, छोटे से रेनबो को तो देखो, पर कुछ और भी करना होगा। ये देखो, चार रेनबो, उससे तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, इससे उसे मैं बहुत पसंद आऊंगा। हे भगवान, आप मेरे लिए नए इयररिंग्स लाए। अरे हाँ, शुक्र है कि तुम खुश हो। मुझे पसंद आए। हाँ, इस आउटफिट के साथ इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अब मैं अपनी डेट पर जा सकती हूँ। थैंक्स डैड, बाय बाय। बाल बाल बचे। कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरी वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओ नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन अरे यार, मेरे हेडफोन्स, मेरा अच्छा समय खत्म हुआ। अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। रुक जाओ, नहीं। क्या? हम वॉर करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैं एक प्रो हूँ। हाँ, काफी अच्छी हो। मुश्किल हो रहा है, हार मान भी लो। बेंडी का ध्यान कहीं और है। तुमने चीटिंग की। वो जरा ये देखो, वो क्या रहा है? हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है? मेरी तरफ मत देखो, बहुत गर्मी है। हाँ, जरा रुको, ये क्या है? क्या ये स्कॉर्पियन है? अरे नहीं, जैस्मिन, तुम क्या कर रही हो? वो कहाँ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक तो हो? मुझे पानी चाहिए। जो भी हो, बहुत गर्मी है, मैं अपना पसीना भी इकट्ठा कर सकती हूँ।
सच में? है तो ये पानी ही। मेरी मैनर्स कहाँ गए? तुम्हें चाहिए? शुक्रिया। ओह, बहुत प्यास लगी है। ये क्या है? काफी अलग चीज है, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। मैंने तो ऐसा मूवीज में ही देखा है। वो ये काफी बेहतर है। ये देखो, जूसी वाटरमेलन। मुझे यही तो चाहिए। खुशबू कितनी अच्छी है। ओह, चलो भी, क्या बकवास है। शायद ये काम आए। अब हम क्या करेंगे? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पहले मून की शेप बनाएंगे और फिर वर्टिकल लाइन से फिल करेंगे। हर लाइन के बीच में जगह छोड़ेंगे। अब इसके नीचे एक लाइट ग्रीन की लाइन आएगी और नीचे आते जाएंगे। हाँ, इतना काफी है। अब रेड कलर लेंगे, पैटर्न वही रहेगा, पर नीचे जाते जाते ये छोटा होता जाएगा और ये वाटरमेलन के स्लाइस जैसा दिखेगा। देखा, अब डिटेल्स बनाएंगे। ये बहुत आसान है। ब्लैक सर्कल्स ही बनाने हैं, पूरे रेड वाले सेक्शन पर रहेंगे। ट्रायंगल की टिप पर एक होल करेंगे और वाटरमेलन स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे और एक प्लास्टिक टाई लेकर इन होल्स के बीच में से निकालेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। ये फैन बन गया और इतनी गर्मी में ये परफेक्ट है। वाह, इससे राहत मिलेगी। वाह, ठंडी हवा आ रही है। हे भगवान, जैस्मिन! मुझे माफ कर दो। डरा दिया, मुझे तो ये पीछे से मिला था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कोई मजाक की बात नहीं है। कम से कम मेरे पास फैन है। हे, इन शेल्स को तो देखो, मुझे बड़ा वाला चाहिए। तुम मेरे साथ घर जाओगे? ये तो और कमाल का है। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो और शेल्स पर भी तुम्हारा एक जैसा ही टेस्ट है। अरे वाह, इस शेल में सुपर पावर्स होंगी क्योंकि इसने मुझे मेरे सोलमेट से मिलवाया। ये, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब हमारे पास ये क्या है? खूबसूरत है। हे ओलिविया, ये तुम, ये शेल्स कितने गंदे हैं। जरा हटो। मिया, अरे नहीं, मेरा प्यारा शेल। ये गलती से हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी लव लाइफ खत्म हो गई। कोई बात नहीं। नहीं, सब खत्म ही है। वह क्या है? समझ गई। मैं इससे शेल जोड़ सकती हूँ। बस मुझे देखो और सीखो। सारे शेल पीसेस यहाँ पर रखेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। दो प्लास्टिक कप्स लेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा रेजिन डालेंगे। जब ये हो जाए तो दूसरे में भी डालें। परफेक्ट। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, कलर डालेंगे। बस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डालिए। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। अच्छे से मिलाएंगे। इन बलून्स की बारी है। हाँ, ये फूले नहीं हुए। देखा है कितने स्ट्रेची हैं। हम इसी का फायदा उठाएंगे। शेल्फ से कुछ नया बनाया जाए। इन्हें एक एक करके बलून में डालेंगे। थोड़ा समय लगेगा पर बढ़िया चीज बनेगी। टूथपिक्स को साथ में इकट्ठा करेंगे और एक से बलून के कोने में छेद करेंगे। थोड़ा दम लगाए। जब हम इसमें दो डाल दें तो इन्हें बीकर्स के ऊपर रख दें। अब इसमें कलर्ड रेजिन डालेंगे। बिल्कुल आराम से डालें ताकि सीधा होल में जाए। और जब ये ऊपर तक भर जाए तो हम इंतजार करेंगे। देखना चाहते हैं क्या बना? आपको बहुत पसंद आएगा। शेल इयररिंग्स, जबरदस्त है ना? ओ ओलिविया, हाँ, ये क्या है? तुम्हारे नए शेल इयररिंग्स। ये तो लाजवाब है और ये से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? तुम सबसे अच्छी हो मिया। ठीक है, धूप से अपने आप को बचाना होगा। इतने बबल्स काफी हैं। अब मैं अपने वाटरमेलन से खेलूंगी। ओह, कितना स्क्विशी है, मुझे ये पसंद है। हे, एक सेकंड रुको, वहाँ पर एक खाली पॉट है। मैं सॉइल में अपना वाटरमेलन डाल देती हूँ। ये देखो, अब इसके उगने का इंतजार करेंगे। हाँ, इसने तो बिल्कुल समय नहीं लिया।
ठीक है, ये आइडिया एकदम कमाल का है, मैं जरूर करूँगी। ठीक है वाटरमेलन, चलो अब वाटरमेलन ट्री उगेगा, चलो तुम ये कर सकते हो। ये सनी वहाँ क्या कर रही है? वाटरमेलन, तुम बढ़ क्यों नहीं रहे? हाँ, नहीं, वो तो बहुत उदास है। मुझे उसे खुश करने के लिए कुछ करना होगा। पहले इसके ऊपर पॉलीमर क्ले रखेंगे और अब ये क्ले से बनी रेड बॉल, अब हम इसे रोल करेंगे और अब हमें ये टूल चाहिए और अब हम इसे काटेंगे बहुत ध्यान से, हमें इसे खराब नहीं करना। हाँ, अब इसके दो कट्स हो चुके हैं, अब हमें इसमें से एक स्लाइस काटना है। हमें दोबारा ये टूल चाहिए होगा क्योंकि सर्कल को बीच से काटेंगे। बढ़िया, अब हम इसे हटा देते हैं। अब एक और स्लाइस काटेंगे एक पाय जैसा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब इसके ऊपर क्लियर कोट करेंगे। अच्छा है, पर इस वाटरमेलन में सीड्स नहीं है, मैं ब्लैक बीड्स लगा देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। पर सिर्फ सीड्स ही नहीं, वाटरमेलन खुश भी होना चाहिए। लो अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। सनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वो एक वाटरमेलन नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। hey, मैं इसकी जगह ये डालूंगी। oh, क्या सनी, क्या इससे क्या ही होगा? हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ, मेरे पास यहाँ सारा सामान है, चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीड्स लगा देती हूँ, ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया, चलो भी, मैंने कर दिखाया, अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं, ये अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है, इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा, मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ, बकवास ब्रेसलेट, मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया, अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह, पर ये खाने के लिए नहीं है। और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरें। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं। दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए, नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं, ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए, मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाय ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है, इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल, ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे, बहुत प्यारे हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ, बस एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। एमिली, मुझे और कॉन्फिडेंट होना होगा। एमिली, नहीं, ये बेकार लग रहा है। एमिली, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे प्यार की निशानी है, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? उप्स, ओ नहीं, वो कहाँ चली गई? वो यही कहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ओ, ओ, आ, हे एमिली, मैं तो बस प्रेसअप्स कर रहा था। चलो बैठ जाते हैं, तुम अच्छी लग रही हो। अरे वाह, अच्छा। हाँ सच में, रुको,
क्या ये नेल पॉलिश है? मैं ये ले सकता हूँ? क्यों? भरोसा रखो, इससे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्लास्टर के ऊपर नेल पॉलिश लगा लेता हूँ, पतला सा बैंड बन जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो इसे पेंट करेंगे, पिंक कलर सही रहेगा, और इससे डार्कर शेड से गैप्स को फिल कर देंगे। अच्छा लग रहा है। और इस पर दिल बनाएंगे, ये परफेक्ट है, बस ये गिर ना जाए। हाँ तो चलो। एमिली, क्या हो रहा है मैथ्यू? हे भगवान, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगी। मैं बहुत खुश हूँ। लो, पाउडर लगा लिया। ओह हाय, आज तो तुम खूबसूरत लग रही हो। हाय, और तुम भी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा इसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूं? आओ, मैं समझ सकती हूँ। मैंने अपने लुक के साथ ये इयररिंग्स लिए हैं। अरे वाह डार्लिंग, ये तो कमाल के हैं। मैं तुम्हें अपने इयररिंग्स दिखाती हूँ। मुझे खरीदने ही थे। अरे हाँ, ये तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ मैं जाती हूँ, बेस्टीज। रुको, हे भगवान, तुम ये नई रिंग्स कहाँ से लेकर आए? गर्ल, तुम मुझे हैरान कर रही हो। ओह, तुम्हें पसंद आई? हाँ, और मैं भी तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। समझ नहीं आ रही कौन सी ज्यादा अच्छी है, शायद ये वाली। बिल्कुल। ये काम नहीं कर रहा, मैं सब कुछ बाहर निकाल लेती हूँ। ओह नहीं, ये तो हर जगह फैल गए, अब मैं क्या करूँ? ओह नहीं, बहुत बुरा हुआ। जरा सुनो, तुम्हें एक रिंग स्टैंड चाहिए होगा, कुछ ऐसा। लो, मैं दिखाती हूँ। ओह मेरे बेचारे रिंग्स। ओह ये क्या है, मुझे शेड पसंद आया, मैं इसे ट्राई करूँ? क्या? ओह नहीं नहीं नहीं, ये लिपस्टिक नहीं है। है तो, पर ये तुम्हारी रिंग्स के लिए है। अरे वाह, तुम ये कहाँ से लाई? समझी गर्ल, तुम्हें पूरी बात सुननी होगी, जरा सुनो। पहले हम एक लिपस्टिक की ट्यूब और एक एपॉक्सी मोल्ड लेंगे, पूरे लिपस्टिक को बाहर निकालेंगे और मोल्ड में रखेंगे, और उस पर एपॉक्सी रेजिन डालेंगे। जो गिरता जाएगा वो मोल्ड में बेस की तरह आ जाएगा, इतना काफी है। अब इस लाइट से इसे सेट करेंगे। लो, अब हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। देखा, ये इतना मुश्किल नहीं था और मैंने ये बना लिया। अब मैं अपनी रिंग्स इस पर रख सकती हूँ। मुझे इसे खाने के लिए शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत है, दोस्त होते ही इसलिए है। रुक जाओ डैड, मुझे कुछ चाहिए। ओ, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, कुछ भूल रही हो? थैंक्स। चलो चले। मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या? मेरी कीज। तुमने वो दोबारा खो दी? चलो देखते हैं। नहीं। आपने इसके नीचे देखा? काउच के नीचे देखते हैं। है कुछ? नहीं। तो फिर कुछ सोचते हैं। मेरे पास तो नहीं है, है ना? अरे नहीं। ओह याइक्स, समझ नहीं आ रहा और कहाँ देखे। एक मिनट रुको, अब ये संभाल कर रखना। मिसी, तुम्हारा दिन अच्छा हो। रुको, मेरी कीज कहाँ पर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाइट स्टैंड पर। अरे यार डैड, मुझे अंदर आने दो। ये कहानी तो बहुत दिलचस्प हो रही है। अब क्या होगा, मैं यही रह जाऊंगी। कोई कचरा नहीं फेंकता। एवा, मैं अपनी कीज भूल गई। दोबारा? अरे नहीं, ये सब तुम्हारा है। इससे मुझे एक आइडिया आया। इसके लिए मुझे तुम्हारा पजल पीस चाहिए होगा, पर तुम अपनी कीज नहीं घुमाओगी। इसे अच्छे से कवर कर दे, फिर उसके ऊपर अपने नाम का पहला लेटर बनाए। हो गया, अब ये नहीं खोएंगी।
ये लो। हे, इस पर तो ए बना है। थैंक्स डैड। ओह, डैड ने अपने लिए भी एक बनाई। ये साथ में कितने क्यूट लगते हैं। मेरे डैड सबसे अच्छे हैं। ये काम किया। तैयार हो? चलो भी। रह गया। हाँ, मैं जीत गई। अब मैं ही बटन दबाऊंगी। ओह, कितनी प्यारी आउटफिट है। कितने खूबसूरत फूल है। खुशबू भी अच्छी है। मजा आ गया। हेलो वेंडी। हे भगवान, ये रिंग तो देखो। जैस्मिन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये क्या कर रहे हो? ओह, तुम कितने रोमांटिक हो। ये कैसा मजाक है। बहुत हुआ, ये मेरी है। नहीं, मेरी है। ये मुझे दो। कभी नहीं। खैर, इसे छोड़ो। बस करो। तुमने तोड़ दी। डायमंड कहाँ है? तुमने ऐसा क्यों किया? रो मत। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। रोना तो बंद करो। मैं जानती थी। प्लीज रुक जाओ। मुझे अच्छी चीजें कभी नहीं मिलती। ये बहुत गलत बात है। मैं खुद की ज्वेलरी बनाऊंगी। हाँ, जरा रुको, मैं ठीक कर सकती हूँ। रिंग पर थोड़ी ग्लू लगाएंगे। अब इसे सेट होने देंगे और ग्लिटर में इसे डिप करेंगे। इस तरह इस पर स्पार्कल लग जाएगी। वाह बेंडी, ये तुम्हारे लिए है। एक रिंग मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। ये बहुत खूबसूरत है। तुम ये रख सकती हो। वाह शुक्रिया। तुम्हें कैसा लगा? बहुत पसंद आया। तुम बहुत अच्छी हो। हम अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा किया। ओह, फेरी मेरा सारा होमवर्क ले गई। क्या, वो अभी भी सो रही है? पर टाइम तो देखो, 7:30 बज गए। वो कुछ ज्यादा ही सो ली है। टीना, टीना हनी, तुम्हें जागना होगा, नहीं तो लेट हो जाओगी। बस 5 मिनट और। ठीक है, तो तुम्हें यही चाहिए। टीना, जाग जाओ। मॉम रॉक कर सकती है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन है? गुड मॉर्निंग हनी, अब जाग भी जाओ। क्या, क्यों? क्यों हनी, टाइम तो देखो, 7:30 बज गए हैं। अब तक स्केड्यूल देखो, तुम्हें 7 बजे उठना चाहिए था। हाँ, स्केड्यूल के हिसाब से स्कूल भी जाना होता है। हाँ बिल्कुल, चलो अब उठो और तैयार हो जाओ। मॉम रुको, मैं खुद कपड़े पहन सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी प्यारी राजकुमारी। मुझे ये आउटफिट पसंद है। थैंक्स मॉम। अरे नहीं, तुम्हारी बाल, हमें इसका कुछ करना होगा। रुक जाओ। नहीं मॉम, ये ब्रशेस दूर रखो, इससे मुझे लगती है। खैर, हमें तुम्हारी बालों का कुछ करना होगा। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी बाल बनाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मॉम अभी आ रही है। ठीक है, तुम्हारी हेयर क्लिप्स के लिए ये मोल्ड्स हैं। इसमें नर्ड्स डालेंगे। पहले इसमें कैंडीज डाली, अब रेसिन डालेंगे। ये क्लियर एपॉक्सी होगी ताकि कैंडी के रंग अच्छे से दिखें। सारी कैंडीज के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। अब ये मोल्ड रेसिन से ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ, सब डाल दिए। बस इसमें क्लिप्स डालेंगे और इसे सेट होने देंगे। अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। हनी देखो, मैं तुम्हारे बालों पर क्या लगाऊंगी। कैंडी क्लिप्स। ये मेरी नर्ड्स कैंडीज से बने हैं। वाह, मुझे पसंद आए। हाँ बिल्कुल, इन्हें पक दो, मैं तुम्हारे बाल बनाकर ये लगा देती हूँ। चलो अब एक क्लिप लगाते हैं, एक इस साइड और फिर एक दूसरी साइड भी। ये मेरे बालों में कैंडी है। कितना कूल है। थैंक्स मॉम। बिल्कुल, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ओह नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है। चलो जल्दी भागो। अच्छे फिल्टर्स ढूंढना मुश्किल होता है। स्माइल करो। वाह, ये जगह कितनी कूल है। हे लेडीज, तुम अपनी हैट लाई हो? हाँ लाई तो हूँ। ये क्यूट है ना? हाँ, हम इसे ग्राम पर डालेंगे। मुझे टैग कर देना। मुझे नहीं पता था इस पिकनिक पर हैट लानी है।
अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा लक चल गया है। हाँ ये क्या, वो ठीक तो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रो मत ओलिविया, लो ये ले लो। शुक्रिया। जो भी हो, यहाँ एक और ऑप्शन है, जरा देखो। वाटरमेलन को इस तरह रखेंगे, फिर अपना ग्लू पेन लेंगे और बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे। पहले एक सॉलिड डॉट बनाएंगे और इस तरह लाइंस बनाएंगे। जब ये कुछ ऐसा दिखे तो इसके बीच का गैप फिल कर दें। एक टाइम पर एक सेक्शन करें और बिल्कुल भी जगह ना छोड़ें। अब एक और लाइन बनाएं और एक और, इन्हें साथ में जोड़ दें और जैसे ऊपर कलर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। लगता है सारा हो ही गया और ये लाइंस सजावट के लिए होंगी। अब रेड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनाएं। अब समझ आया कि क्या है? मैं हिंट देती हूँ, ये वाटरमेलन से इंस्पायर्ड है, ये सीड्स है, देखो। चलो इसे ट्राई करें। तुम्हें हैट चाहिए थी ना? खैर मैंने तुम्हारे लिए बहुत अनोखी बनाई है। तुम्हें पसंद आए? वाह, मैं इसकी फोटो लेती हूँ, वो बहुत खुश है। ये लो, हम तुम्हारी पिक्चर पोस्ट करेंगे। ये कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। ठीक है, लेगिंग्स अच्छी लग रही है, मेरी मोमेड लुक पता चल रही है। ओह, इसके साथ ऐसे बाल नहीं चलेंगे, मुझे ये ठीक करना होगा। रुको, ये क्या है? मेरे कंघे को क्या हो गया? अरे हाँ, मैं मोमेड स्टैंड से घर आई थी, मैंने अपनी टेल को हटाया, उससे शांति मिली। मेरे पैर तो फ्री हो गए पर टेल से बदबू आ रही थी, तो मैंने उसे धोने का सोचा। मोमेड टेल्स को भी साफ करना जरूरी है। मैं वहीं पर थी तो मैंने और भी कपड़े डाल दिए, जैसे कि मेरी पेंट जीन्स, और जीन्स की पॉकेट में मेरी कंघी थी, और फिर मैंने उसको वॉश कर दिया, फिर मैं चली गई जैसे कि सब कुछ ठीक था। ओह नहीं, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ, है ना? लगता तो है, मैं ट्राई कर देखती हूँ। होल्डर की शेप अभी भी कंघी जैसी है, तो इसके ऊपर मैं गोल्ड लीफ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर एपॉक्सी डालेंगे, ये मोल्ड की तरह काम कर रहा है। इसे पूरा क्लियर एपॉक्सी से नहीं भरना, इतना काफी है। अब इसमें ग्रीनिश कलर डालेंगे, लो इतना काफी है। अब इसे सेट होने दें। हाँ अब ये तैयार है, उम्मीद है काम करे। वाह ये तो काम किया, और देखो ये कितनी प्यारी बन गई। हाँ चलो इसे ट्राई करें और देखते हैं बाल सीधे होते हैं या नहीं। ओह ये तो मेरी पुरानी कंघी की तरह काम कर रहा है। हाँ अब से मेरी सबसे फेवरेट कंघी है। ओह देखो तुम मुझसे अच्छी मर्मेड बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे अच्छी ही हूँ, जरा मेरी नई मर्मेड कॉम तो देखो, तुम्हारे पास ये फोक है? हाँ? मुझे ये कॉम मिलनी चाहिए। अरे हाँ भागो यहाँ से। कितना खूबसूरत है, दो हफ्ते हो गए पता भी नहीं चला, हमने साथ कितना अच्छा समय बिताया। इमोशनल हो रही हूँ। हाय डेविड, मुझे ड्रिंक चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? एनिवर्सरी प्रेजेंट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। वो थैंक्स, इसे पकड़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं है पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तो बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था। तो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, क्या? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया तो। हाँ, मैं तो ये सब भूल ही गया था, मेरे पास बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पास कुछ है, अपनी आंखें बंद करो। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, जल्दी जल्दी में गिफ्ट चाहिए, हम संभाल लेंगे। सोडा कैन से फुल टैब्स निकाल लें, तीन टैब्स को पिंक कलर करें, थोड़ा सा गंद मच जाएगा। बाकी टैब्स को ग्रीन पेंट करें, इन्हें अच्छे से पेंट करें, जरा भी ना छोड़ें। अब इन्हें सूखने दें, इन्हें उल्टा करें और इस साइड भी पेंट करें। इन्हें सीधा रखकर मेटल रिंग से जोड़ दें, इयररिंग हुक्स लगाएं और ये बन गई एक अनोखी ज्वेलरी। हाँ तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आए, ये तुम पर जचेंगे। ओह बहुत पसंद आए। थैंक यू। भैया मुझे कैन दिखाओ, क्या ये
वाह, क्या कोइंसिडेंस है, तुम बहुत प्यारे हो। ये तो पिक्चर्स जैसा ही लग रहा है, तो मैं पहले क्या करूं? मुझे न्यूज देखना पसंद नहीं। रुको, मैं ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये चोर पूरे शहर में घूम रहा है। अपने सामान का ध्यान रखो, ये किसी भी चीज पर कूद जाता है, खासकर बंद खिड़कियों से भी। एक आदमी ने उसे ऐसे करते हुए देखा, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। कुछ भी हो तो पुलिस को कॉल करो। तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है। याइक्स, तो मुझे घर ऐसे छोड़कर जाना होगा। मैं वेकेशन पर नहीं जा सकती, हर जगह ज्वेलरी पड़ी है और मेरे पैसे भी। लेकिन शुक्र है मेरे पास एक प्लान है, मैं अभी आती हूँ। क्या ट्रिप थी, पर अनपैक करने से पहले देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये तो चोर है, इसकी हिम्मत तो देखो। अच्छी जगह है। ज्वेलरी बॉक्स, क्या ये तो बस बॉबी पिन है। क्या बकवास है, बढ़िया सामान कहाँ है? कुछ भी नहीं है, क्या फायदा हुआ, सोचो सोचो। कचरा, अरे नहीं, कॉप्स, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, ये हुई ना बात, बस एक बॉल की जरूरत थी। देखो दोस्तों, आपको कैसा लगा? हमें अपनी जूल्स को ऐसी जगह पर छिपाना चाहिए जहाँ किसी को अंदाजा ही ना लगे, कोई यहाँ पर देखेगा ही नहीं, इसीलिए ये जगह छिपाने के लिए परफेक्ट है। इस तरह एक कार्डबोर्ड कटआउट लेंगे, बीच में एक सर्कल काटेंगे, रैपर्स और बाकी का कचरा हॉट ग्लू से इस पर लगा दे। कार्डबोर्ड दिखना नहीं चाहिए, लगाते जाए। जब ये कवर हो जाए तो हम यहाँ छिपा सकते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा बोरिंग है। अब क्या, ये सुंदर है, लेकिन ओ मामी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। हाँ तो चलो, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, ये खराब हो गए। मॉम, मेरे पास आपके लिए कुछ है, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। अरे वाह, ये आपके हैं, मुझे आपकी परवाह है, फिर बैठे। ये क्या बकवास है। खैर रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ओह हाँ, पुराना पेपर कंटेनर है, इसे उल्टा करें और इसके ऊपर एक वाइन ग्लास रखें। ये भी उल्टा, अब इसके कोनों पर फ्लावर्स रखें। जो कलर आपको चाहिए यहाँ आप रख सकते हैं। बाकी की जगह पर लिक्विड ब्रेसिन डालें, इसे ऊपर तक भर दें। कोई बात नहीं, फ्लावर्स को कवर कर सकते हैं। अब इसे हार्ड होने देंगे। अब ग्लास को हटा दें और ये आ गया एक सुंदर सा ब्रेसलेट। ये लाखों में से एक है, आप ये बहुत सारे बना सकते हैं। मॉम, आपको स्नेक्स पसंद है? ये असली नहीं है, रिलैक्स। ब्रो, वो शो जबरदस्त था, पर क्या उनके पास ऐसे टैटूज थे? क्या, वाह, वाह, मुझे भी ऐसा एक चाहिए। डेविड एकदम से बहुत अच्छा लगने लगा। हाय, मैं इसे छूकर देखूं। ओह, ओह, आओ, दर्द हुआ? ना, वैसे तो नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हमने अभी शुरू नहीं किया। वोप्स, तैयार हो? हाँ शायद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं,
तुम तो बहुत बहादुर हो। काश मेरा भी एक कूल सा टैटू होता। पर हम बना सकते हैं, है ना? ये देखो, ये बस फालतू की इंक है, मेरे जैसा नहीं। ओह, अब क्या करूं? मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ये देखो, हाँ मैं इसे बहुत तेज घुमा सकती हूँ। वो ये काम नहीं करेगा। मैं डेविड का ध्यान अपनी तरफ कैसे लाऊं? हाँ मैं जानती हूँ। हे, ये मेरे तरीके की आउटफिट है ना? हाँ मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। एक पेपर क्लिप लें और इस तरह इसका एंड हटाएं। अब आपको ऐसे बहुत सारे पीसेस मिलेंगे। हमें ऐसे चार ही चाहिए। वो ये पियर्सिंग्स तो कमाल की है, और तुम्हारे पास बहुत सारी है। मेरे पास तो सिर्फ ये एक टैटू है। बाहर चलोगी? ओ, मैं नहीं जाना चाहती। ये हुई ना बात। आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक मॉडलिंग क्ले का सर्कल लें और उस पर हार्ट के शेप के दो खोखे कटर्स रखें। अब इन कटर्स को दबाएं और फालतू के क्ले हटा दें। अब कटर्स को हटा दें। अब इसके बीच में एपॉक्सी रेजिन डालें। सिरिंज से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब रेजिन को सूखने दें। अब इस पर थोड़ा ग्लिटर डालें और एक और हार्ट रख दें। ये नेकलेस कितना खूबसूरत है। वो जरा इसे देखो, खूबसूरत है। बस इसे खींचना है और ब्रेसलेट तैयार है। प्यारा है ना? ओ, जेनिफर आ गई। हाय लूना। हाय। देखो, तुमने पियर्सिंग करवाई, कूल है ना? मुझे कुछ अलग चाहिए था। मुझे भी कुछ अलग चाहिए, मैं भी ये करा सकती हूँ। ये हुई ना बात, चलो चलें। हाय, मैं याद हूँ, मैं एक और विक्टिम लाई हूँ, मेरा मतलब है क्लाइंट। ये सच में? हाँ, हम इसके लुक को भी कूल बना सकते हैं। चलो और बैठो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ शायद ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पियर्सिंग्स चाहिए। कूल, शुरू करते हैं। तुम बात ही नहीं करती। हाँ थोड़ा दर्द होगा। क्या ये नीडल है? हाँ एक तो है। हिलना मत। मैंने कहा हिलो मत। नहीं। तुमने शर्मिंदा कर दिया। वो नीडल बहुत बड़ी थी, पर मुझे सच में पियर्सिंग चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। या शायद कुछ है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें थोड़ी आईलैश ग्लू चाहिए और ये बीड्स। चलो शुरू करें। बीड पर ग्लू लगाएंगे, तुम्हारी स्किन पर जोड़ेंगे। चलो अब नोज पियर्सिंग करें। वाह ये अच्छा लग रहा है। काश मैं अपने बारे में ये सोच लेती। और ये आखिरी है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें दर्द भी नहीं हुआ। तुम अच्छी लग रही हो। पियर्सिंग बडीज, मॉम बहुत गुस्सा होंगी। क्या दिन था। वो इतनी जल्दी नहीं, जरा मुझे देखने दो। शूज अच्छे लग रहे हैं। ना तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या बोल रही हो? साइन देखो, शूज पहनकर नहीं आ सकते। ओह ठीक है। वो कितने सारे क्रॉक्स पड़े हैं, मैं अपने वालों को कैसे पहचानूंगी? मैं जानती हूँ वो कोई चोरी कर लेगा। मैं नहीं होने दे सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पापा मजेदार है। वो काम आएगा, ये मुझे दो। उप्स, माफ करना, ये लो। सोडा, थैंक्स। कोई बात नहीं, मुझे यही तो चाहिए। शूज को पर्सनलाइज करने के लिए पहले इस पॉपेट में से बबल्स को काटेंगे। इससे कलर इस पर आएगा। इसे मैं शूज पर लगाऊंगी और ग्लू से इसे चिपकाऊंगी। और वाइब्रेंट लुक के लिए कलर्स को मिक्स कर लेंगे। लगभग हो ही गया। वाह कस्टमाइज्ड सैंडल्स। अब मैं जानती हूँ मेरा पैर कौन सा है। बाकी के बहुत बोरिंग है। हाँ अब मैं अंदर जा सकती हूँ। मजे करो। हाँ चलो आराम करें।
मुझे घर चलना चाहिए और शूज पहन लेती हूँ। हाँ? वो कहाँ चले गए? कोई ले गया? पाप पाप पाप, ये शूज बढ़िया है लेकिन थोड़ी स्मेल आ रही है। ओ हे पाप पाप, ओ कितनी प्यारी है। आज भी कमाई का दिन है। रुक जाओ, कुछ नियॉन है ये देखो। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, मजे करो। वो क्या हुआ? ये नियॉन पार्टी है, तुम्हारा कहाँ है? इस आउटफिट को देखो, इन पर एक्सेसरीज की जरूरत है। ये साइन देखो, नियॉन पार्टी। ठीक है, चलो पार्टी करें। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे दिखूं? एक मिनट रुको, ये मुझे दो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा है, मैं मजे से पी रहा था। पहले 3D पेन से इस तरह एक ब्लॉब बनाएंगे और फिर इसे ग्लास के आसपास लपेट देंगे। हर लूप में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएंगे, इसे ग्लास के ऊपर तक करेंगे। पिंक कितना ब्राइट है, बस थोड़े से और, इतना काफी है। अब मैं अपने हाथ को इस ग्लास में डालूंगी और प्लास्टिक को रेस्ट की तरफ करेंगे। कितना बढ़िया ब्रेसलेट बन गया, अब इस ग्लास की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, नियॉन दिखाओ। टाडा, अब खुश हो? मुझे दिखाओ, मैं श्योर नहीं हूँ। अब कैसा रहेगा? ये चलेगा? तुम्हें मुझे अंदर जाने देना होगा। मुझे पसंद आया, चलो जाओ। आखिरकार तो मेरे ड्रिंक का क्या हुआ?